आपके साथ। आयोजित हुआ नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट डगरवा के टमोट में पहली बार आयोजित हुआ शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट, प्रशंसकों में दिखा उत्साह। आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में जुटे क्रिकेट प्रेमी। टूर्नामेंट में 16 टीमों ने लिया हिस्सा। इसका उद्घाटन AIMIM नेता गुलाम सबर ने फीता काटकर किया। साथ में जाप के युवा नेता मोहम्मद रिजवान भी रहे शामिल। ये मथौर पंचायत है, अब तमोट गांव है। इस गांव के इतिहास में ये पहली बार यहाँ मैच हो रहा है और बहुत उमंग है लोगों के बीच में। ये नौजवान लोग, जो भी खेल कमेटी है हमारा, ये जो प्रोग्राम यहाँ कराया है, ये बहुत ही बेहतर है। हम लोग इसको उत्साहित कीजिए और इसका हौसला हम लोग बढ़ाने के लिए आए हैं। खेल जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा है और एजुकेशन में भी खेल का एक हिस्सा है। अच्छा, बच्चों में देखें, यहाँ काफ़ी महिलाएं, ये बच्चे लोग आए हैं। चूँकि ये प्रोग्राम यहाँ पहली बार हुआ है और लोग बड़ी चाव से इस प्रोग्राम को देखने के लिए यहाँ जमा हुए हैं और ये खेल कमेटी मुबारकबाद के काबिल है। हम उसको मुबारकबाद देते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम करा के यहाँ पे देख रहे हैं। सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं और कितना एक जगह एक अच्छे माहौल में इस खेल का आयोजन करा रहे हैं, ये लोग मुबारकबाद के काबिल हैं। ये फर्स्ट बार टूर्नामेंट कहीं पे भी होगा तो देहात एरिया में, देहात जगह है, यहाँ पे अगर होने जा रहा है तो देहात लोग जानते ही है कि भावुक, मतलब तुरंत कहीं से कुछ अगर पता चला तुरंत आदमी वहाँ पे, तुरंत यहाँ बच्चे बूढ़े जो भी हैं सब। कौन सा मैच खेला जाएगा यहाँ? ये टूर्नामेंट नाइट टूर्नामेंट है। कौन सा? ये सोलो टीम का शॉर्ट बाउंड्री। सबसे पहली बात कि मेरे टमोट में जो खेल की किसी तरह कोई नाम निशान नहीं था, जो हम सभी लोगों ने और सभी गांव के सम्मानित के साथ मिल के एक खेल करवाना चाहते हैं, ताकि यहां पे जो खेल होने वाले शॉर्ट बाउंड्री का, जो 16 टीमों के बीच खेल किया जाएगा। और हम सभी चाहते हैं कि आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा जो आप सभी लोगों ने मुझे समय दिए हैं और इस खेल को उद्घाटन कर चुके हैं। जो भी खेल है यहाँ पे, ये 16 टीम के खेल हैं। क्या ओवर का खेल होगा? इसमें 6 ओवर के खेल होंगे जिसमें 16 टीम है और प्रत्येक टीम में यानी नौ खिलाड़ी खेलेंगे। अच्छा, नॉकआउट, कोई जो हारे वो बाहर? जी। अच्छा, कब, मतलब इसमें क्या दे रहे हैं आप? जो जीतेगी जो फाइनल पहुँचेगी, इनमें जो फर्स्ट विजेता उनको 5,000 रुपये और कप के साथ सम्मानित किया जाएगा और सेकंड विजेता को 3,000 रुपये और कप के साथ सम्मानित किया जाएगा। टूर्नामेंट हमारे गाँव तमोट गाँव जो है सिरसावादी गाँव है और हमारे गाँव में बहुत घनी आबादी है और ये टूर्नामेंट हम लोग इंडिया लेवल में खेलता है, लोग देखते हैं टीवी वगैरह में देखते हैं, सब उमंग है, बच्चों में ख्वाहिश है कि हम लोग भी टूर्नामेंट खेलें, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और इस मानसा से हमारे गांव के लड़के लोग, अध्यक्ष हैं मोहम्मद शरीफुल और मोहम्मद बिलाल हैं, ये लोग में उमंग है कि हम लोग भी टूर्नामेंट कराएंगे, सीखेंगे, ताकि हम लोग भी इंडिया टीम में शामिल हो सके। इस उत्साह से इस घनी बस्ती गांव में एक टूर्नामेंट का आयोजन किया है, नाइट टूर्नामेंट है, ये 16 टीम का खेल होंगे। आज घना आबादी की वजह से बड़ी भीड़ हो चुकी है और उम्मीद करते हैं इन लोग को टूर्नामेंट, अध्यक्ष को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और समाज के सभी लोगों को हम ये कामना करते हैं कि सब रात में शांतिपूर्वक बना के खेल को संपन्न करें।